एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई है। सलमान खान बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त सलमान खान अपने घर में मौजूद थे। दरअसल सुबह के 5 बजे के करीब दो अनजान शख्स बाइक से सवार होकर आते हैं। इन दोनों ने ही हेलमेट लगा रखा था और इन्होंने 3-4 राउंड सलमान खान के घर पर फायरिंग कर डाली। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच के लिए वहां पर गई हुई है। वहां पर बहुत ही ज्यादा पुलिस लोग तैनात हैं और सलमान खान के घर की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब वहां के लोगों से पूछताछ की जा रही है और वहां के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सलमान खान के घर के बाहर गोलियों के निशान भी नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, जिन्होंने कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, उन्होंने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान खान को हिरन हत्या के लिए मंदिर में जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। अभी मैं बड़ा गुंडा नहीं हूं, लेकिन सलमान खान को मारकर मैं गुंडा बन जाऊंगा। सलमान खान को मारना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई, जो कि अभी अमेरिका में है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई है। ये आखिरी वार्निंग है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट में हमारे साथ शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए।